आज मैं कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, डायरेक्ट आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा, तो मैं उसी टॉपिक में डायरेक्ट बात करूंगा। सो प्लीज इस टॉपिक को समझें और उसके ऊपर आप भी विचार करें और अपना सपोर्ट दिखाएं जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला तो ये बताऊंगा कि मुझे ये न्यूज पता ही नहीं था, मुझे कल पता चला और कल रात से मैं सोच सोच के ये टेंशन में हूँ कि जो आप लोगों को मैं बता दूँ, जो दिल्ली में जिम का बैन लगाया गया है, सभी जिम टोटली बंद हो जानी चाहिए, दिल्ली में टोटली जिम को बंद कराया गया है। तो मुझे ये समझ में आया कुछ जिम, तो कल से मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, तो कल से मैं बहुत सारे ऐसे सर्च कर रहा था, बहुत सारे रिसर्च किया, तो मुझे बहुत पता चला। तो दिल्ली में बहुत ऐसे कॉमर्शियल में जिम खुले हुए थे, ऐसे बहुत सारे इलाके में, हर एक गली में जो जिम खुले हुए थे कॉमर्शियल एरिया में, उन सभी जिम को बैंड कराया गया है। एंड जो मल्टी जो आप मीन्स मॉल में है एंड कॉम्प्लेक्स में है, उन लोगों की जिम चल सकती है, बट कॉमर्शियल एरिया में जो है उनकी सभी जिम टोटली बैंड। तो ये सुन के मेरे और देख के मेरे तो पसीने आ गए, और जो ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि जिम सपोर्टर जो होते हैं ना, जिम लवर, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत बड़ा सदमा है। उन सभी जिम जो सपोर्टिंग करते हैं, जिम करते हैं, जिम उनके लिए सब कुछ होता है, जिम लवर जो है, मैं ऑब्वियसली मैं जिम लवर हूँ, इसलिए मुझे भी बहुत दुख हुआ, भले ही दिल्ली में हुआ हो, बट यहाँ तक इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि दिल्ली वाले तो सबको पता है, बट बाहर के जितने स्टेट के लोग तो देख रहे हैं और देखेंगे, उन लोगों को ये पता रहना चाहिए कि उन लोगों को भी सपोर्ट कराना, उन लोगों को भी सपोर्ट दिखाना चाहिए हम लोगों को, तो ताकि पता चले यार कि जिम लवर बहुत ही अच्छे होते हैं और जिम बहुत ही हेल्थ एंड फायदे के लिए होता है, ना कि कुछ नुकसान के लिए। मैं कल जब रिसर्च किया तो 1500 से ज़्यादा जिम जो है दिल्ली में, कम से कम मैं बता रहा हूँ 1500 से 1600 जिम जो दिल्ली में अभी है कॉमर्शियल एरिया सब कुछ मिला के, तो उसमें 90% जो जिम है कॉमर्शियल इलाके में ही है, हर गली हर मोहल्ले में ही है कॉमर्शियल इलाके में, और 10% जो है वो है आपको कॉम्प्लेक्स या मॉल में। तो हर एक बंदा वो अफोर्ड नहीं कर पाता वो मल्टीप्लेक्स जिम में जाना, तो जिस कॉमर्शियल एरिया में बैंड हुआ है उन लोगों के लिए कितना सदमा होगा। अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो जिम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सदमा है। एंड सबसे देखो इसमें कितना नुकसान हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है, एक तो जिम जो करते हैं उन लोगों का नुकसान, सेकेंड सबसे बड़ा बात, एक जिम के पीछे बहुत सारे ऐसे बंदे काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, जो बहुत सारे किलनर है, ऐसे बहुत सारे काम वाले हैं, जो एक जिम में अगर 5 बंदे भी अगर काम करते हैं तो 1500 जिम यानी 15,000 एम्प्लॉय का काम छीन गया गया। तो यार 15,000 जो सैलरी पर चलते थे वो आज कहाँ जाएंगे, तो 15,000 एम्प्लॉय मायने रखता है यार, 15,000 जिनके वो कैसे घर चलाएंगे, वो कैसे क्या करेंगे, तो उन लोगों का यार थोड़ा सोच। एंड सेकंड जो ट्रेनर जो जिम से ही वो सब कुछ करते हैं और ट्रेनिंग कर करके ही वो थोड़ा पैसे कमाते हैं, तो उन लोगों का भी क्या होगा। और तीसरा सदमा लगा है आपको ओनर का, जिन लोगों का जिम था, जिन लोगों के जिम से ही ऑब्वियसली और कुछ सोर्स इनकम नहीं थी, ओनली जिम थी, तो उन लोगों का भी ठप हो गया। और चौथी चीज वो है सप्लीमेंट जब जिम ही बंद रहेगा, जब आप जिम ही नहीं कर पाओगे तो सप्लीमेंट कैसे बिकेगा, तो सप्लीमेंट वाले लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और नुकसान हुआ है, वो भी सदमे में है कि ऐसा क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो कंपटीशन लड़ने वाले थे बंदे, जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, उसका अचानक बोल दिया जाए कि जिम ऑब्वियसली पूरा बंद हो गया है, तो उन लोगों का क्या होगा, वो लोग पूरे रात भर पागल के जैसा सोए नहीं होंगे। तो यार बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इस भागदौड़ की जिंदगी में एक जिम ही एक ऐसा जगह है जहां पर आप अपने पसीने निकालते हैं, आप अपने फिट रहने के लिए अपने फिट बॉडी बनाते हैं, अपनी फिट फिजिक बनाते हैं ताकि आप फिट रहें, और उन सभी को हटा के जिम जब बंद हो जाए तो यह बहुत ही
बुरा यार खबर है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सभी जितने भी हमारे अदर स्टेट के भी लोग हैं, जो सिर्फ दिल्ली के बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली से नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट के लोग हैं, वो सपोर्ट दिखाएं। जो खासकर जिम का लेवर है, जिम लवर है, वो पूरा सपोर्ट दिखाएं और रिक्वेस्ट करें सभी मिलके कि वापस ये जिम बैन को हटा दिया जाए एंड कैंसिल किया जाए और वापस से स्टार्ट कर दिया, ताकि वो 15,000 लोगों का काम भी मिल जाए और सभी फिट रहे, क्योंकि ये हमारी सरकार भी बोलती है, हम फिट तो भारत फिट, तो हमें फिट रहना पड़ेगा और भारत को भी फिट रहना पड़ेगा। बाकी सब जो भी नशीली चीजें, उन लोगों को बैन करो, एंड ये जो है बहुत ही अच्छी चीज है, जिम को ना बैन करो। यही रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोगों से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, तभी सभी लोगों के पास ये वीडियो जाए। एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरे न्यू न्यू वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।